कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। तो अब तक की कहानी में हम जान चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को। थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बात किया था। आज के दिन मैं रेजिस्टेंस के बारे में और बात करूंगा। और रेजिस्टेंस कैसे मेजर होता है, इसके लिए एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। मैं ओम्स लॉ का आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा, और फिर रियल में ओम्स लॉ कैसे करते हैं हम लोग, ओम्स लॉ का सेटअप, ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली हम कैसे करते हैं, मैं उसका आपको एक रियल लाइफ वीडियो दिखाऊंगा। तो आज के दिन वाली स्टोरी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके माइंड में आएंगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो हमारी जर्नी आगे, ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे उन्हीं के ऊपर रहने वाली है। तो इससे पहली क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे करंट फ्लो होता है और करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब आज के दिन हम शुरू करते हैं। ये बैटरी हमने लगा दिया और ये वायर है और मैंने आपको बताया ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो आसान होगा? ये जगह बहुत टाइटली पैक्ड है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? आप अंदाज़ा लगाओगे, अगर एक छोटा सा भी वायर है तो उसमें करीब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक दो जीरो ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने इलेक्ट्रॉन्स, बीच में फिर एटम्स हैं, एटम में प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे रास्ते पे नहीं जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से टकराते हुए जाते हैं। और जब ये टकराते हैं तो टकराने के दौरान ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे या एटम से टकराएंगे दूसरे, तो उस दौरान इनके रास्ते में, इनका जो फ्लो है उस फ्लो में रुकावट पैदा होगी और उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो व्हेन चार्ज फ्लो द मटेरियल रजिस्ट बाय प्रोवाइडिंग कोलिजन्स टू द फ्लोइंग चार्ज। विद एटम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। और इसी चीज को, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे ऐसे ऐसे रास्ते पे और इधर टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, तो इस टकराने के दौरान इनका जो फ्लो है वो फ्लो रुकेगा और उसी फ्लो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि कम रेजिस्टेंस देते हैं, जिनसे चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है और उन्हें ही हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स ऑब्स्ट्रक्ट्स लेस, सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स आर लेस, वाइल इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स तो बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस देते हैं, वो तो बहुत रोकते हैं, तो इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस को किसी भी एक सर्किट में ऐसे जिगजैग पाथ से दिखाया जाता है, ये हम इससे पहली क्लास में देख चुके हैं। और अगर रेजिस्टेंस बदल रहा हो तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वैल्यू चेंज। और ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये रेजिस्टेंस की थोड़ी और फीलिंग भी हुई। अब रेजिस्टेंस कैसे मेजर होता है, रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए
हमें एक लो समझना पड़ेगा, और वो हमारा आज का टॉपिक भी है, जिसे हम कहते हैं ओम्स लो। अब ओम्स लो का स्टेटमेंट आप समझें। ओम्स लो क्या कहता है? इफ ऑल द अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, देन करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अभी मैं लिख लेता हूं, मैं आपको समझाऊंगा। क्या कहता है ओम्स लॉ? इफ ऑल द अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, इसका मतलब बाकी फिजिकल कंडीशन सेम रहनी है। जहां आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जहां आप ये सेटअप बना रहे होंगे, उस सेटअप को बनाने के दौरान आपने जो वायर लिया है, जो कंडक्टर लिया है, उसका लेंथ फिक्स है, उसका साइज फिक्स है, वो वायर फिक्स है, मटीरियल फिक्स है, और टेम्परेचर फिक्स है, तापमान आप बिल्कुल नहीं बदलने दे रहे इस मटीरियल का, तो प्रेशर एक जैसा ही है, कंडीशन सब की सब एक जैसी हैं। तो एक कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज़्यादा आप वोल्टेज लगाओगे, जितनी बड़ी बैटरी आप लगाओगे, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा काम करना पड़ा। इसका मतलब इधर से इधर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा उत्सुक होंगे, सिमिलरली इधर से इधर जाने के लिए पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है एक सेकेंड में। इसका मतलब अगर सब फिजिकल कंडीशन सेम रहे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा वोल्टेज आप लगाते जाओगे कंडक्टर के थ्रू उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता जाएगा। एंड दिस इज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि अगर V बढ़ता है तो I बढ़ता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगी एक कंडक्टर के लिए। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरे सर में सफ़ेद बाल बढ़ते जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी मेरी एज मेरे सर में उतने सफ़ेद बाल होंगे। तो इसके लिए हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब बदलते हैं, इसकी जगह जब ये सिंबल लगाते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, और यहां जो कॉन्स्टेंट यूज होता है, हियर आर इज अ कॉन्स्टेंट फॉर दैट कंडक्टर एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी कॉन्स्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू I इंटू R, R यहां कॉन्स्टेंट है, और जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा वैसे वैसे I बढ़ता जाएगा। अब R किसके बराबर आ जाएगा? R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। यूनिट क्या आएगा R का? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज का यूनिट, इसका यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट वो होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही आप रेजिस्टेंस कहेंगे, वोल्ट पर एम्पियर। और इसका एक छोटा नाम भी है, ओम के ऊपर इसका एक छोटा नाम भी है, उसे कहते हैं हम ओम। सो रेजिस्टेंस 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मतलब अगर किसी एक कंडक्टर के अक्रॉस, ये कंडक्टर है, ये कोई वायर है, और इसके अक्रॉस
आपने 1 वोल्ट का बैटरी लगाया और 1 वोल्ट का बैटरी लगाने पे इसमें जो करंट गया वो 1 एम्पियर था, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस तब 1 ओम होगा। और ये सिंबल होता है ओम का, ओमेगा कहते हैं ऐसे, ओमेगा वही जिसकी घड़ी जेम्स बॉन्ड बांधता है, तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है। ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बना देते हैं, तो ये 1 ओम हुआ। सो इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बताया है, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर्स कम ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है, और इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक वर्चुअल लैब के थ्रू बताता हूँ। ये हमारे सामने ओम्स लॉ का सिमुलेशन है, जिसमें आप वी और आर लिखे हुए देख रहे होंगे, और वी इज इक्वल टू आई आर आपकी सामने स्क्रीन पे है, ये ओम्स लॉ है। और फिलहाल के लिए हमने क्या किया है, 10 ओम रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ देखो ये 10 ओम पे सेट किया है रेजिस्टेंस, और वोल्टेज 0.1, यहाँ 0.1 वोल्टेज सेट है, और आप देख सकते होंगे जो करंट है वो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, 0.1 को 10 से अगर डिवाइड करोगे तो 0.01 आ जाएगा, और ये करंट मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर मतलब 1/1000 एम्पियर, 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा। तो जब आप 1/100 एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10 मिली एम्पियर आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज डबल कर देता हूँ 0.2, तो करंट देखो कितना हो गया, 20 मिली एम्पियर, करंट भी डबल हो गया। वोल्टेज 3 गुना कर देते हैं, करंट 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 5 कर दिया तो 50, 6 कर दिया तो 60, 1 वोल्ट कर दिया तो आई बढ़ता जा रहा है 100 मिली एम्पियर, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और बढ़ा दिया वोल्टेज, करंट बढ़ता जा रहा है, 1.5 वोल्ट का सेल हो गया पूरा, 1.5 वोल्ट का हमारा जो घर का सेल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है करंट उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अगली बैटरी लग गई, और ये 10 ओम रेजिस्टेंस, 9 वोल्ट की बैटरी, तो करंट आ गया 900 मिली एम्पियर, इट मींस 0.9 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस कर देते हैं 500 ओम, तो देखो अब ज़्यादा जगह से टकराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ गया है जब फ्लो करेंगे तो अब करंट आ गया, रेजिस्टेंस 500 ओम, वोल्टेज 0.1, तो करंट आ गया 0.2, 0.2 वोल्ट कर दिया तो 0.4, 0.3 वोल्ट कर दिया तो 0.6, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। और यही ओम्स लॉ है, दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप ऊपर साइज देखेंगे तो साइज भी बढ़ता जा रहा है, और ये 9 वोल्ट लगाने पे 500 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी 18 मिली एम्पियर। अब ये लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ओम्स लॉ को लैब में करने के लिए हम लोग एक बैटरी लेते हैं, एक पावर सप्लाई जो कि हमें बैटरी जैसा काम करती हो, वो एक सेल भी हो सकता है, वो एक बड़ा सेल या बड़ी बैटरी भी हो सकती है, और कुछ ऐसे जुगाड़ भी आते हैं जिनसे जो घर की सप्लाई है वो भी ऐसी ही बिजली देती है, जो घर में आती है वो थोड़ी अलग होती है, उसे हम एसी कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपने को डीसी सप्लाई चाहिए होती है, तो कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एसी को डीसी में बदल देते हैं। ओवरऑल इसे आप अपने स्विच बोर्ड में लगाओगे और उससे ऐसे ही करंट मिलेगा जैसा कि एक सेल और बैटरी से मिलता है। तो हम एक बैटरी लगाते हैं
और एक रो स्टेट लगाते हैं। रो स्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बदला जा सकता है। फिर एक अमीटर लगाया जाता है सीरीज में, पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से और नेगेटिव सिरा नेगेटिव से। अमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। और सीरीज का मतलब ये होता है, ये सर्किट में इस तरीके से लगाया जाता है, इसी सीक्वेंस में लगाया जाएगा ये। और फिर जिस भी तार का आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, वो वायर लगाया जाता है, ये वायर है, एक की लगाई जाती है, ये की है, ये वायर, और वायर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव। तो इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज ये वोल्ट मीटर बता देगा। वोल्ट मीटर का आपने डायग्राम देखा है कि कैसा एक वोल्ट मीटर होता है। और ये अमीटर इस वायर से जाने वाला करंट बता देगा। और इस तरीके से इस अरेंजमेंट होता है, और इसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। इसका नाम है सर्किट डायग्राम। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक बैटरी लेते हैं, एक रो स्टेट लेते हैं। कैसा रो स्टेट दिखता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और फिर एक अमीटर लगाते हैं सीरीज में, वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में लगाने का मतलब होता है इस वायर के पैरेलल लगाया है। पैरेलल का मतलब एक सिरा यहाँ कनेक्टेड है वायर के अक्रॉस एक कोने पे, और दूसरा सिरा वायर के दूसरे कोने पे कनेक्टेड है। अमीटर ऐसे लगाया गया है कि एक सिरा यहाँ और दूसरा सिरा यहाँ। आप सर्किट को अलग भी बना सकते हैं, मतलब ये की आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये की आप यहाँ भी लगा सकते हैं। सिमिलरली अमीटर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा सीक्वेंस क्यों है ये आगे भी हम जानेंगे। आगे जब हम सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तब भी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। पर फिलहाल के लिए हमें ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना है कि कैसा होता है। और इसके लिए मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, और वीडियो के बाद में हम सिमुलेशन करेंगे, और फिर रियल लाइफ की जो वीडियो होती है, रियल लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम सर्किट बनाएंगे। ये बैटरी, ये की लगेगी, ये के का मतलब की है, ये एक रहो स्टेट है जिसका रेजिस्टेंस बदला जा सके। इस रेजिस्टेंस को बदलने से इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बदल जाएगी। और ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ अमीटर लगा हुआ है। तो इस तरीके का हम सर्किट डायग्राम यूज़ करेंगे। अब वीडियो देखते हैं, और वीडियो में आपको ये अलग अलग कंपोनेंट दिखते कैसे हैं वो नज़र आ जाएंगे। To do the experiment, we require the following: battery, one-way key, rheostat, voltmeter, ammeter, resistance wire. Procedure: connect the positive terminal of a battery to the positive terminal of ammeter using a connecting wire. Connect the negative terminal of the ammeter to the positive terminal of the voltmeter using a connecting wire. The negative terminal of the voltmeter is connected to the upper terminal of the rheostat using a piece of wire. Connect the lower terminal of the rheostat to one end of the one-way key. That is, the key should be removed using a connecting wire. The other free end of the one-way key is connected to the negative terminal of the battery. Now, take a resistance wire. Connect it in parallel to the terminals of the voltmeter, that is, positive to negative. The connection is completed. Now, insert the key and slide the rheostat contact to check the working of the ammeter and voltmeter. Adjust the sliding contact of the rheostat and note down the value of potential difference V from voltmeter and current I from the ammeter. Record the reading of the voltmeter and ammeter. Shift the rheostat contact slowly and record the reading of the voltmeter and ammeter and calculate the value of R in each case. Shift the rheostat contact slowly. Similarly,
take at least 5 sets of independent observations. Record the readings and plot a graph with the values. अब ये हमारे सामने सिमुलेशन आ गया। ये सप्लाई है जो कि बैटरी की तरह काम कर रही है, ऊपर जिसमें प्लस माइनस और जिसके साइड में आपको एक स्विच दिख रहा है। ये एक अमीटर है, इधर आप एक डिजिटल अमीटर देख रहे होंगे, इधर एक वोल्ट मीटर देख रहे होंगे, ये की है और ये रियोस्टेट है। अब हम कनेक्शन करते हैं। ये जुड़ गया, हमने ये वायर वोल्ट मीटर के अक्रॉस जोड़ दिया, ये जुड़ गया अमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। अब वोल्ट मीटर का नेगेटिव रियोस्टेट से, ये जुड़ गया रियोस्टेट से, ये की जुड़ गई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और फिर की जुड़ गई रियोस्टेट से। तो अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अपने को की इंसर्ट करनी है और जैसे ही की इंसर्ट करते हैं आप देखते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग बढ़ती जाती है। अब अगर रियोस्टेट से वोल्टेज बदलें तो आप देखते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग बदलती जाती है। जैसे आप रियोस्टेट को स्लाइड करते हैं आप अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग आई नाप लोगे और फिर वी अपॉन आई निकालोगे अलग अलग के लिए, तो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब रियल लाइफ में कैसे होता है उसका वीडियो देखते हैं। We use electricity in our daily life for various applications. For example, to light bulbs, to heat an electric iron, and operate refrigerators and air conditioners. All these applications require different amounts of current. Find the most efficient way to get the proper current, Ohm's law is used. Ohm's law was derived experimentally by the German physicist George Simon Ohm in 1826. According to Ohm's law, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical conditions such as temperature, pressure, etc. of the conductor remain the same. Principle: if I is the current flowing through the conductor and V is the potential difference across its ends, then according to Ohm's law, V is equal to RI, where R is the constant of proportionality. It is known as resistance of the conductor. Or V by I is equal to R by plotting a graph of potential difference versus current. Materials required: battery eliminator, ammeter, voltmeter, a resistance wire, rheostat, one-way key, connecting wires. Procedure: arrange the required materials according to the circuit diagram. The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the voltmeter, which is connected in series with the ammeter. Through a key, the connection can be extended to the upper terminal of the rheostat, whose lower terminal is connected to the negative terminal of the battery. The given resistor must be connected in parallel to the voltmeter. Determine the least count of voltmeter and ammeter and also note the zero error. To check the connections, insert the key K, then slide the rheostat contact and see whether the ammeter and voltmeter are working properly. By adjusting the sliding contact of the rheostat,
note down the value of the potential difference V across the resistor from the voltmeter and current I from the ammeter. Repeat the experiment by changing the rheostat slider position. In each case, V by I is calculated, which gives a resistance R of the resistor and it is found as a constant. A graph is drawn with I along the x-axis and V along the y-axis. The graph is a straight line. This also verifies Ohm's law. The slope of the graph will give the resistance of the wire. Note the values of OB and AB, then calculate the value of R as AB by OB, which gives the value of unknown resistance. Applications. Ohm's law is used to design various electrical circuits in amplifiers, oscillators, power generators, etc. It is also used to figure out the correct resistors to maintain proper current in a circuit at given voltage. तो लगा समझ आपको कि ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई किया जाता है? वही बैटरी लगाया, एक अमीटर लगाया, एक वायर लगाया जिसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, यहाँ की लगा दिया और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। अलग अलग वी के लिए हम आई मेजर कर लेते हैं, अमीटर की रीडिंग देख लेते हैं अलग अलग वोल्टेज के लिए, और फिर हम एक टेबल बनाते हैं वी वर्सेस आई। तो किसी एक वोल्टेज, लेट से दो वोल्ट पे करंट था एक एम्पियर, चार वोल्ट वोल्टेज आई तो करंट आ गया दो एम्पियर, सिक्स वोल्ट वोल्टेज आ गई तो करंट आ गया थ्री एम्पियर। जब रियल में आप करोगे तो इतना अच्छा डेटा आपको नहीं मिलने वाला है, आपको पॉइंट्स में नंबर मिलेंगे, तो और कुछ गड़बड़ी भी होती है, कुछ एरर्स भी होती हैं, अलग ही फन है। आप रियल में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेंगी। और फिर हम क्या करते हैं, वी और आई में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने आपको आते होंगे, वी जीरो तो आई जीरो, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, फिर वी टू फोर सिक्स, फिर यहाँ वन टू थ्री आई ले लिया, और फिर ये पॉइंट्स आप डिनोट करोगे एंड यू विल रियलाइज कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारों को अगर आप मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा। जब रियल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसी लाइन बनेगी जैसी मेरी बनी है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ होगा क्योंकि हम एरर्स करते हैं, कुछ गलती होती है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो अब आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो रेजिस्टेंस इस ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप वोल्टेज को डिवाइड करोगे करंट से तो आपको इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस लोगे, आर निकालोगे वी अपॉन आई से, इस वाली रीडिंग के लिए निकालोगे वी अपॉन आई से, इस वाली के लिए निकालोगे, और फिर तीनों का एंड में एवरेज ले लोगे, जो भी आएगा यहाँ से तीनों को जोड़ के और तीन से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ में दो बंदों ने ओम्स लॉ किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक ने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया और दूसरे ने ऐसा बनाया, तो ये बताना है इनमें से किस बच्चे के पास में जो रेजिस्टेंस था वो ज़्यादा था, ए वाले के पास में ज़्यादा था या बी वाले के पास में। पूरा एक्सपेरिमेंट करके ये ग्राफ बना लिया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम करंट, यहाँ कोई एक सेम करंट लो और उस पर ये देखो किसे ज़्यादा वोल्टेज लगी। ए को लगी इतनी वोल्टेज, बी को लगी इतनी वोल्टेज, किसकी वोल्टेज ज़्यादा है, उतना ही करंट फ्लो कराने में बी को ज़्यादा वोल्टेज लगी। सेम करंट फ्लो कराने में बी को ज़्यादा वोल्टेज लगी, तो इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। तो वी वर्सेस आई ग्राफ में जितना ये ग्राफ ऊपर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अगर मैं उल्टा कर दूं, इस एक्सिस पे आई इस एक्सिस पे वी और दो ग्राफ बने ये, तो आप मुझे बताओगे अब किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का या बी का। तो आई होप
कि आपको ओम्स लॉ समझ लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिनकी बारे में बहुत सारी बातें करूँगा आगे, जैसे कि वो जो रेजिस्टेंस था वो कैसे वोल्टेज बदलता था, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है किसी एक मटीरियल का, ये मेरी अगली वीडियो रहने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।